अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष और देश के विदेश मंत्री हवाई जहाज में चढ़ रहे हैं। ये एक सामान्य यात्रा है, सरकारी यात्रा है। जैसे ही वो प्लेन के अंदर पहुंचते हैं इंडियन एयरलाइंस के, एक सुंदर सा सजीला सा नौजवान जो उस विमान का पायलट था, वाजपेयी जी को जानता था, पूरी गरिमा के साथ उन्हें नमस्कार करता है। वाजपेयी को लगता है सौजन्यतावश कर रहा होगा, वो हल्का सा गर्दन झुकाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। 13 बरस बीत गए, अब अटल बिहारी वाजपेयी उस नौजवान को याद कर रहे हैं, गंभीरता और भावुकता के साथ याद कर रहे हैं, याद कर रहे हैं उसके एहसान को और सार्वजनिक रूप से याद कर रहे हैं, क्योंकि वो पायलट राजीव गांधी था। वो तब तक सियासत में नहीं आया था, तब अटल बिहारी वाजपेयी उन्हें नहीं पहचानते थे, लेकिन जून 1980 में छोटे बेटे संजय की मौत के बाद इंदिरा गांधी राजीव को सियासत में लाती हैं। वो अमेठी से सांसद बनते हैं, पार्टी के महासचिव बनते हैं और फिर इंदिरा की मौत के बाद देश के अध्यक्ष। ऐसा नहीं है कि अटल और राजीव के रिश्ते हमेशा बड़े अच्छे रहे। ये राजीव ही थे जो भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसदों की तरफ इशारा करके तंजिया अंदाज में कहते थे, भाई परिवार नियोजन को सबसे अच्छे से तो हमारी विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने ही अपनाया है। हम 2 हमारे 2 इनके भी 2, एक जो आंध्र प्रदेश से जीत के आए, दूसरे गुजरात से, और इनमें कोई अटल, कोई आडवाणी, कोई बड़ा नेता शामिल नहीं था। वाजपेयी राज्यसभा के रास्ते वापस से संसद में पहुंचे थे। वाजपेयी हर मुमकिन मौके पर कांग्रेस की नीतियों का विरोध करते थे, लेकिन जब उन्हीं राजीव गांधी को पता चला कि अटल बिहारी वाजपेयी की किडनी में तकलीफ है और उस तकलीफ का भारत से ज़्यादा अच्छा इलाज अमेरिका में हो सकता है, तो उन्होंने एक सरकारी प्रतिनिधि मंडल का मुखिया बनाकर अटल बिहारी वाजपेयी के अमेरिका जाने का इंतज़ाम कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने वाजपेयी को तलब किया और उनसे कह भी दिया कि प्रतिनिधिमंडल लौट आएगा, लेकिन आप न्यूयॉर्क में रह के अपनी किडनी का इलाज करवा लीजिएगा। जब 21 मई 1991 को राजीव की हत्या हो गई और उसके बाद सदन में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, तब वाजपेयी ने इस वाक्ये को याद किया। कभी सियासत यूं भी होती थी, लोग विपक्षी खेमे के लोगों की मदद करते थे और विपक्षी खेमे के लोग सारे राजनीतिक विरोध के बावजूद इन सदाशयताओं को याद किया करते थे। कभी सियासत ऐसी भी होती थी जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग हुआ करते थे। नाम के आगे थे लग गया है, क्योंकि 16 अगस्त 2018 को अटल की देह का अंत हो गया। लेकिन राजनेता की देह मरती है उसके किस्से नहीं, वो कवि के अनश्वर किस्सों की तरह जब तक यहाँ साक्षरता रहेगी, जब तक यहाँ वाक रहेगा, जब तक यहाँ स्मृति रहेगी, तब तक जीवित रहने का मादा रखते हैं। दी लल्लनटॉप के पॉलिटिकल किस्से और उसकी ये खास सीरीज अटल स्मृति आपको अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन के अलग अलग पहलुओं के बारे में बता रही है। अगर आपको लल्लनटॉप के पॉलिटिकल किस्से पसंद हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, ताकि कोई भी किस्सा आपसे मिस ना हो। और अब तो लल्लनटॉप की एंड्रॉयड ऐप भी आ गई है, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। शुक्रिया।